डैम प्रशासन वालों 32 मुलाजमान नूं काम तो काढ़ दिता गया सीगा, जिस तो बाद उन्हां वालों अपना धरना प्रदर्शन चीफ दफ्तर दे बाहर छापरकंडी विच लगातार किया जा रहा पिछले लंबे समय तो। अज उन्हां वालों जिहड़ा पठानकोट के डीसी हरबीर सिंह होणा दे दफ्तर दे बाहर एक प्रदर्शन किया गया ते अपना मंग पत्र जिहड़ा आ उह दित्ता गया है। ये मंग पत्र देने की वजह उन्हां वालों यह दस्सिया गया कि उन्हां दी मंगा नहीं मनिया जा रही, तो उन्होंने याद कराने वास्ते द्वारा मंग पत्र दिता गया है। तो प्रशासन अगर मंग की गई है कि उन्होंने नौकरी से वापस रखा जाए ताकि अपने घर का गुजारा वधिया तरीके कर सकन। उन्होंने कहा कि जेकर साड़ी मंगा ना मनिया गई तो धरने को होर रूप दिता जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी जी प्रशासन की होगी। और सुनते हैं प्रदर्शनकारियों का की कहना है इस सारे मामले के बारे। लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसायटी संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का मैंबर, सब तो पहला आप जी के चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने साड़ी आवाज़ पंजाब सरकार तक जिला प्रशासन तक तो आम लोगों तक जी साड़ी आवाज़ जी तुम पहुँचाउणी। मैं अज ये दसना चाहुंना कि साढ़े जिहड़े मुलाजम मुंडे वीर साढ़े शाहपुरकंडी डैम से धरने पर बैठे ने, 198 दिन हो गए धरने पर बैठे हैं, जिन्हों अजे तक सरकार ने कोई भी विश्वास नहीं दवाया। ना तो पठानकोट का प्रशासन उत्थे जाके इन्हों कोई गल करके आया, ना ही कोई इत्थे पंजाब सरकार का कोई नुमाइंदा वो धरने च पहुंचया। जेकर मंत्री साहबानों एक दो नू मिले ने तो बस इन्नी कु गल कह गया, तुहाड़ी पड़ताल चल रही है। मैं पंजाब सरकार तो यह गल पुछनी चाहुंना कि जेकर साड़ी पड़ताल चल रही है वो इन्नी ढिल्ली मठी क्यों चल रही है? पहला ही इन्हां बच्चों जिवें छाननी चों दी आटा छानिया जांदा इवें इन्हां नू छान के नौकरियां दित्तियां, और 10-10 साल इन्हां ने नौकरियां कीतियां, उस तो बाद इन्हां नू कढ़िया गया। मान साहब एक दिन तुहाडी बाइट सुन रहा सां कि कह रहे से कि तुसीं मेरा परिवार हो तो मैं एक लाणेदार हाँ, तुसीं मेरे नाल गल करो। अज मीडिया दे रही लाणेदार तो यह पुछना चाहुंना, लाणेदार साहब 200 दिनां दे विच तुसीं साडे बच्चियां नू दुबारा नौकरियां ते क्यों नहीं बहाया? क्योंकि पहला ही ये पॉलिसी तहत लगे हुए ने। मैं लाणेदार साहब नू यह भी गल कहनी चाहुंना कि इन्हां बच्चियां दे भविख वल ध्यान किया जाए, क्योंकि जे इन्हां बच्चियां दा भविख 200 दिन का जे देखा जाएगा तो इन्हां दे बच्चियां दीआं फीसां और इन्हां दे परिवारां दे खर्चे जिन्हां ने अपनियां भैणां दीआं सादियां ते खर्च करना सी ओह की करन, इह सारा कुछ देखदे होए अज असीं डीसी दफ्तर पहुंचे हाँ। प्रशासन नू इह गल कहनी चाहुंदे हाँ कि पहलां बहुत मंग पत्र दित्ते ने, अज असीं सरकार नू याद पत्र देण आए हाँ कि आ जिहड़ा याद पत्र है जिहड़ी सरकार सुती पई है, प्रशासन सुत्ता पिया, जिहड़ी टीम बनी है इन्हां दी 5 मैंबरी कमेटी बनी है पड़ताल करन वास्ते, उन्हां नू याद दवाउण वास्ते आए हैं कि इन्हां बच्चियां दी जल्दी तो जल्दी पैरवाई करके इन्हां दी पड़ताल करके इन्हां नू इंसाफ दवाया जाए। जेकर ये इंसाफ जल्दी तो जल्दी ना होया आउण वाले धरने की रूपरेखा बदलांगे, जिहड़ा कि असीं पहलां शांतमई तरीके नाल बैठे हाँ, असीं नहीं चाहुंदे कि असीं सड़कां ते आईए, असीं इस धरने की रूपरेखा नूं इन्ना बदलीए कि आम पब्लिक नूं परेशानी होवे, पर सरकारां चाहुंदियां ने, प्रशासन चाहुंदा कि इस शांतमई धरने नाल असीं तुहाडे कोल नहीं पहुँचना, सरकार ने काम नहीं करना। पर अज दे याद पत्र राहीं कहना चाहुंदे हां कि जेकर तुसीं इह साडी सुनवाई जल्दी ना कीती तां धरने की रूपरेखा बदलांगे, जिम्मेवारी पंजाब सरकार ते जिला प्रशासन की होवेगी। साडा कहना यह आ भी अहीं जिहड़े 32 मुलाजम जिहड़े कढ़े गए सी डैम हाउसी जिहड़े ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਬਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ 1115 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 227 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ, 229 ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਜੀ ਇੱਕ SDM ਨੇ ਸੌਰਵ ਰੋੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
इन्हों नौकरी तो बाहर कढ़ दिता। तो असी 7 महीने तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को भी लगातार आपां मंग पत्र भेजे आ, पर सरकार ने कोई टस तो मस नहीं हुई कि वो ये कहिंदे आ कि असीं राज करदे आ। असी कहिंदे आ भी जिहड़े अफसरशाही राज आ, मतलब ना ना MLA दा राज, ना मंत्रियों का राज, तो ना CM दा राज। जो अफसरशाही कहिंदी आ उहदे मुताबिक ही करदे आ। क्यों असी बहुत सारे वारी असीं इन्हां नूं मिले भी हाँ, असी मीटिंगां भी कीतियां ने, पर असीं इक हुण अज इक चेतावनी देनी चाहुंदे हां। पिछले दिनां 'च काली दिवाली मनाई आ, असीं अज इक चेतावनी देनी चाहुंदे हां इन्हां नूं, पर जे सानूं ना इन्हां बहाल कीता 5-7 दिनां दे विच, असीं शाबर कंडी दा कम्म भी रोकांगे। तो इन्हां नूं इन्हां ये जिहड़े साथी ने ये कहिंदे असीं मरण वरत ते बहि जाणा, फिर मरे ते अगे है ही असीं, परिवारां समेत जिहड़ा उत्थे मरण वरत ते बैठा जाएगा। इस करके असीं धन्नवादी हाँ तुहाडे ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 198 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। एकमात्र दुकान जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी यहां पर मिलेगी। पिछले 45 सालों से बना हुआ है लोगों का विश्वास। 100% शुद्धता के साथ पाएं हर प्रकार के गहने। तारू शाह ज्वेलर्स, कठुई बाजार सुजानपुर। नीचे दिए हुए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।